बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान अपने अनुमानित समय के अनुसार साहेबगंज में प्रवेश कर गया है। यहां पर सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन कल से ही अलर्ट जारी किए हुए हैं। इस मामले में उपायुक्त ने बयान जारी कर कल से ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। उपायुक्त खुद इस पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा चेतावनी जारी किया गया है, इसमें झारखंड के कुछ जिलों में तेज हवा और बारिश का कहा है। हमारे जिले में भी एक्सपेक्टेड है कि तेज बारिश होने का चांसेस है। हवा भी अभी तक तो खैर चेतावनी नहीं है, पर चक्रवात का है, किधर भी घूम सकता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने पूरी जो एडवाइजरी है वो पालन करने के लिए हम लोगों ने जितना हमारा सदर अस्पताल है उसमें जो भी जनरेटर्स हैं उनका फ्यूल एडवांस हम लोगों ने बना के रख लिया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हम लोगों के पास 200 से ऊपर है। राजमेर अस्पताल में ज़्यादा पेशेंट नहीं है, फिर भी वहाँ पर हम लोगों ने सिलेंडर्स की व्यवस्था कर दी है। साथ ही साथ CFO पुलिस विभाग को हम लोगों ने वुड कटर्स जो होते हैं उनको तैनात करने के लिए बोला है। और उसमें 18 आदमी जैसे कि कहीं भी पेड़ गिर के कोई रास्ता अगर अवरुद्ध होता है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। साथ ही साथ लोगों को भी हमने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को माइक से भी बताया जा रहा है कि जब हैवी रेनफॉल होता है उस समय आप घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि उसमें लाइटनिंग होने का चांसेस रहता है, उसमें लाइटनिंग से डेथ होती है। साथ ही साथ अपने पशुओं और बाकी जो चीज़ें हैं उनको बचा के रखें, खुद अपने लाइटनिंग से दूर रहें, घर में रहें जब तेज बरसात होती है। तो इस तरीके का सारा एडवाइजरी दे दिया गया है। पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया, हम भी अभी फील्ड में इसी चीज़ के लिए निकले हुए हैं सभी जगह व्यवस्थाओं को देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। यहाँ CST बोरियों में हमने देखा है यहाँ पे भी सब व्यवस्थाएँ ठीक है, सिलेंडर्स हैं और यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था है, फ्यूल भी। पश्चिम बंगाल से सटे राजमहल में भी तूफान का पूरा असर देखा जा रहा है। सुबह से ही वहां रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। लोग घरों में दुबके हुए हैं, सड़क सुनसान पड़ा हुआ है। राजमहल में बारिश के कारण कोई जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश होने से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। राजमहल अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। चक्रवात को लेकर राजमहल अनुमंडल प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए अभी तक किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। राजमहल से भूदेव कुमार के साथ प्रवीण कुमार अभी तक साहेबगंज।